हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दोबे क्लासेस। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप मुझे अच्छा व्यू दे रहे हैं, तो मैं आपके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल दूँ। आप लोग बस मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और व्यूज़ करते रहिएगा। चलिए देखते हैं कि मैंने आपको एक थोड़ा सा एक दो डाउट पीछे क्वेश्चन में थे, मतलब जो लेक्चर आपका पहले हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चन है आपको इम्पोर्टेंट टाइप के मिले थे जो मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो ज़रा समझ लीजिएगा। आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक पॉइंट बताया था कि जब हम आइडियल मशीन की बात करते हैं, क्या पॉइंट बताया था कि जब हम आइडियल मशीन की बात करते हैं तो आइडियल मशीन के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज का मान होता है वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर, मैंने आपको रखा था वहाँ पर। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर यदि अच्छे से देखा होगा तो W अपॉन P बराबर Y अपॉन X लिखा था। यहाँ पर मैंने आइडियल मशीन के लिए तो बताया था, लेकिन मैंने आप लोगों को एक्चुअल मशीन के लिए कोई भी चर्चा नहीं की थी। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपसे एक्चुअल मशीन की बात की जाती है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे एक स्टूडेंट ने पर्सनली बोला है कि भाई साहब आपने आइडियल मशीन के लिए तो चर्चा की थी, लेकिन एक्चुअल मशीन के लिए कोई बात नहीं की थी। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपसे आइडियल मशीन की बात होती है, मैंने आपसे इफिशियंसी सारी बताई थी। आइडियल मशीन की एफिशिएंसी आपको बताई थी 100%, आपको एक्चुअल मशीन की बताई थी लेस देन 100%, आपको रिवर्सिबल की बताई थी मोर देन शुड बी मोर देन 50%, नॉन रिवर्सिबल की बताई थी लेस देन शुड बी लेस देन 50%। लेकिन मैंने आप यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं वो आपकी किसकी बात हो रही है, मैकेनिकल एडवांटेज की। बहुत अच्छा क्वेश्चन उस लड़के ने दिया था मुझसे, इसलिए उसको ये क्वेश्चन बताना पड़ा कि आइडियल मशीन के लिए आप मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, और यदि आपसे एक्चुअल मशीन की बात होगी तो याद रखना है एक्चुअल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज का मान इज लेस देन होता है, और किससे होता है, वेलोसिटी रेशियो से होता है। बात क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक्चुअल मशीन के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज का मान है वो आपका लेस देन होता है, और किससे होता है, वेलोसिटी रेशियो से होता है। चलिए मैं कल के लेक्चर की बात करता हूँ। कल के लेक्चर में आपको मैंने सिंगल पुली के बारे में बताया था। सिंगल पुली में मैंने आपको दो बताई थी, एक फिक्स पुली बताई थी, मैंने आपको मूवेबल पुली बताई थी। मूवेबल पुली में मैंने आपको बताया था कि जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है उसकी वैल्यू जो आपकी आती है वो 2 आती है, और जो वेलोसिटी रेशियो उसकी वैल्यू भी आपकी कितनी आती है, 2 आती है। मैंने आपको डिस्क्राइब करके भी बताया था, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको फिक्स पुली का कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू नहीं बताई थी। तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जरा कल मैंने जब आपको फिक्स पुली के बारे में चर्चा की थी, तो फिक्स पुली का जो मैंने डायग्राम बनाया था, आप जरा देखें यहाँ पर क्या इसी तरीके से बनाया था। यहाँ पर आपका ऊपरी सिरा फिक्स था, यहाँ पर आपका कैपिटल पी आपका इफंड गार कर रहा था, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू आपका लिस्टेड वेट था। आपको मैं बता दूँ मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकाला है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, कल बताना पड़ रहा है। फिर मैकेनिकल एडवांटेज की जो बात होगी वो आपकी किसके बराबर होती है, डब्ल्यू अपॉन पी के बराबर होती है। आपको पता है कि फिक्स पुली क्या होती है, जो आप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव नहीं करती है। तो आप जरा देखें क्या ये मूव करेगी, अप एंड डाउन नहीं करेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंने कल भी बताया था कि जो रस्सा होता है ध्रुव पर जो लिपटा होता है वो नीचे ऊपर की ओर गति करता है, केवल कौन, रोप जो होती है। तो जरा देखिए यहाँ पर आपका टेंशन होगा टी, यहाँ पर टेंशन होगा आपका टी। जरा आगे देखते हैं क्या डब्ल्यू बराबर, यदि इस साइड की बात करते हैं तो क्या डब्ल्यू बराबर टी होगा, ऑफकोर्स होगा। यहाँ पर बात करते हैं क्या पी बराबर कैपिटल टी होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पर यदि हम कैपिटल टी अपॉन टी रख दें और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्लियर हो गया कि यदि फिक्स पुली की बात होगी, किस पुली की बात होगी, फिक्स पुली की बात होगी, तो फिक्स पुली के लिए जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, 1 होती है। यदि मैं आपसे वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू बोली, तो आपको पता है कि जितना डब्ल्यू ऊपर जाएगा उतना ही पी नीचे आएगा, क्योंकि आपको केवल रोफ खिसक रही है, अर्थात एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि जो फिक्स पुली होती है उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का मान 1 होता है, और यदि आपसे मूवेबल पुली की बात होती है तो मूवेबल पुली के लिए आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है और वेलोसिटी रेशियो उसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है, 2 होती है दोनों की। अब मैं आपका पुली सिस्टम सिस्टम ऑफ पुलीज बता रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझना है। ये आज का नया टॉपिक है, ये भी पीछे भी आपका टॉपिक ही था, निकल इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको बता दिया, जेई के कई पेपर में आया है। पुलिस सिस्टम की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो पुलिस सिस्टम है वो आपका कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है।
एक तो आपका फर्स्ट सिस्टम होता है, एक आपका सेकंड सिस्टम होता है और एक आपका थर्ड सिस्टम होता है। पहला फर्स्ट होता है, दूसरा सेकंड होता है, तीसरा थर्ड होता है। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में आपका पूरा डिटेल्स लिखवाया भी है, मैंने आपको बाकायदा आपको नोट्स भी बनवाया है। तो यहाँ पर केवल मैं मोस्ट मोस्ट जो उसके पॉइंट हैं मैं उसकी बात करूँगा। जैसे मैं फर्स्ट पुली की बात करता हूँ, मतलब फर्स्ट सिस्टम की बात करता हूँ, तो आप लोग ज़रा नज़र डालिए, मैंने आपको इस तरीके से एक डायग्राम बनवाया होगा इस तरीके से। शायद आप लोगों ने लॉकडाउन के चक्कर में ना पढ़ा हो इसलिए मुझे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करनी पड़ी है। आप जरा देखें, मैंने आपको शायद और पुली उसमें ऐड करके बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं कम समय के कारण आपको कम पुली ऐड करके बता रहा हूँ। तो क्या जरा नज़र डालो मैं क्या मैंने इसी तरीके से आपको बताया था, ज़रूर बताया था, उसमें एक दो पुली और बताई थी और फिर इसके बाद जब मैंने इसको आपको ड्राइव करवाया था, डेरिवेशन करवाया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वेलोसिटी रेशियो की जो इसमें वैल्यू आती है वो आपकी कितनी आती है, 2 की पावर n आती है। कितनी आती है? 2 की पावर n आती है। और आप लोगों को पता है कि जब 2 की पावर n आती है फिर इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है आपका, जाने कितने बार कई क्वेश्चन में आपका आया हुआ क्वेश्चन है ये, कौन सा सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम है, और आपसे बोल लेता है कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है तो उसमें वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी होगी, तो वेलोसिटी रेशियो का मान कितना होता है, 2 की पावर n होता है। और यदि मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया कि यदि मैं आपसे पूछूं कि स्मॉल n क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मूवेबल पुली क्या होता है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, नंबर ऑफ मूवेबल पुली होता है। बात क्लियर है? अर्थात वेलोसिटी रेशियो बराबर 2 की पावर n। यदि मैं यहाँ पर आपसे एक बात और कर दूँ कि आइडियल मशीन की बात करता हूँ, अर्थात आइडियल मशीन है तो आपको पता है कि ईटा की वैल्यू आपकी, अर्थात दक्षता इफिशियंसी आपकी कितनी होगी, 100% होगी। जब इफिशियंसी 100% होती है तो आपको पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी रेशियो के बराबर होती है। वेलोसिटी रेशियो के बराबर है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 2 की पावर n होगी। अर्थात मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि आपको बता दूं कि यदि आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है और यदि उसमें आइडियल मशीन है, मतलब आइडियल सिस्टम में है, तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी रेशियो 2 की पावर n होता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि यदि आइडियल की बात होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज का मान वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, अर्थात कितना होता है, 2 की पावर n होता है। यहाँ पर आगे एक टॉपिक और बताते हैं, इसी में एक ये क्वेश्चन बन गया, एक ये क्वेश्चन बन गया, एक तीसरा क्वेश्चन भी आता है कि इफ सेल्फ वेट ऑफ पुलीज इज स्मॉल w। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि पुली का जो सेल्फ वेट है वो स्मॉल w है तो कैपिटल P का मान कितना होगा, अर्थात इफर्ट की वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू इज इफर्ट, इफर्ट की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल w प्लस स्मॉल w 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। आपको बता दूं कि यहाँ पर कैपिटल W आपका क्या है, लिफ्टेड लोड, कैपिटल P क्या है आपका, इफर्ट, 2 की पावर n, n क्या है, ऊपर मैंने आपको लिख ही रखा है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली। और नंबर ऑफ मूवेबल भी यदि आप डायग्राम में देखते हैं तो आपकी कितनी नंबर ऑफ पुलीज मूवेबल है, 1, 2। यदि फिक्स पुली की बात करते हैं तो कितनी है, केवल 1, मतलब तीसरे नंबर की, बात क्लियर, थर्ड नंबर की पुली आपकी कौन सी है, फिक्स पुली है। आगे बढ़ते हैं, यदि मैं इसमें आपसे पी की वैल्यू आपकी कितनी है, कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n। यदि मैं इसमें आपसे पूछ लूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, तो आपको पता है डब्ल्यू अपॉन पी करेंगे, पी की वैल्यू आपकी ये है, तो 2 की पावर n, जब पी की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 2 की पावर n कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, अर्थात कितना मिलेगा फॉर्मूला, डब्ल्यू 2 की पावर n कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू 2 की पावर n माइनस 1। और आपको पता है कि 2 की पावर n माइनस 1 अर्थात स्मॉल n क्या होता है, आपका मूवेबल पुली का नंबर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका टोटल क्या हो गया, फर्स्ट सिस्टम हो गया। एक बार नज़र डालिएगा, आप वीडियो को बार बार देखिएगा, पूरा देखिएगा, तो आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, आपका कौन सा सिस्टम है? सेकंड सिस्टम है। ये सेकंड सिस्टम में आपको पता है इस तरीके के मैंने आपको दो पॉइंट बताए थे। इसमें दो पॉइंट क्यों बताए थे? क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक आपका ऑड सिस्टम होता है और एक आपका इवन सिस्टम होता है। ऑड इवन का लफड़ा क्या होता है मैं आपको बता दूं। ऑड इवन का सिस्टम क्या होता है? देखो कौन सा सिस्टम है आपका? सेकंड सिस्टम है। तो सेकंड सिस्टम में आपको दो तरीके से बताया गया। एक तो आपका इवन सिस्टम बताया गया, ये आपका इवन है। इवन मतलब आपका सम होता है, अर्थात कुलियों की संख्या कैसी होगी? सम संख्या होगी। और यहाँ पर आपका ऑड सिस्टम है, मतलब कहने का विषम संख्या है। तो आप जरा नजर डालें यहाँ पर टोटल कुलियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, अर्थात कितनी संख्या होगी? 4, अर्थात कौन सा सिस्टम है? इवन वाला। यहाँ पर कितना है, 1 2 3, अर्थात कौन सी संख्या होगी? 3, मतलब कौन सा सिस्टम हो गया आपका, ऑड में चला गया। इसके बाद आगे बात करते हैं, आपको एक पॉइंट और याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आपका पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें केवल वर रो यूज की जाती है, मतलब एक ही रस्सा प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका कौन सा सिस्टम है? सेकंड सिस्टम। और पॉइंट क्या है, फिर से बता रहा हूँ कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें केवल एक ही रस्सा प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक ही रो प्रयोग की जाती है, वो आपका कौन सा है? सेकंड सिस्टम है। आपको बता दूं, आप लोगों को मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया था। आप लोगों को ध्यान आया गया होगा, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था इस तरीके से। इसमें नीचे हुक होता है, मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी संख्या पुलियों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ पुलिस यदि आपका इवन है, तो जो हम लोग रो को बांधना स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से बांधते हैं? ऊपरी ब्लॉक से बांधते हैं। आप देख रहे हो कि एक ब्लॉक आपका ये हो गया, एक ब्लॉक आपका ये हो गया, एक ब्लॉक आपका ये हो गया, और एक ब्लॉक आपका ये हो गया, अर्थात दो ब्लॉक होते हैं, एक ऊपरी ब्लॉक और एक निचला ब्लॉक होता है, मतलब अपर और लोअर। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आपको पता ही है मैंने इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट बता दिया, एक ही क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, वो आपका क्या है थ्योरी में कि किसमें ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें केवल एवर रॉप यूज होती है, वो आपका कौन सा सिस्टम है? सेकंड सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें मैंने आपको ड्राइव करवा के पूरा बताया था कि वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू किसके बराबर होती है? एन के बराबर होती है। और एन आपका क्या होता है? नंबर ऑफ पुली होता है। स्मॉल एन आपका क्या होता है? नंबर ऑफ पुली, अर्थात कितना, यहाँ पर मैंने फिक्स पुली या मूवेबल पुली नहीं बोली, अर्थात यहाँ पर कौन सी पुली होता है कि टोटल पुली, मतलब इसमें क्या है 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4 के बराबर हो जाएगी। और यदि इसमें बात करेंगे तो 1 2 3, और यदि मैम इसमें वेलोसिटी रेशियो की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात क्लियर है, अर्थात टोटल नंबर ऑफ पुलीज। आगे बढ़ते हैं, यदि आपको सेल्फ वेट दिया गया है, सेल्फ वेट आपको दिया गया है, और किसका दिया गया है आपको? स्मॉल डब्ल्यू, मतलब सेल्फ वेट कितना है आपका? स्मॉल डब्ल्यू है। तो आपको बता दूं कि कैपिटल पी की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है? कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू बाई 2 होती है। आप लोगों को ये अच्छे से पता है क्या होता है आपका, टू नहीं होता है, आपको बता दूं कितना होता है? एन होता है। तो कैपिटल पी बराबर आपका क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एन होता है। यदि आपसे मैकेनिकल एडवांटेज पूछता है तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन पी। पी की वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप करेंगे तो एन कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, अर्थात डब्ल्यू इंटू एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू प्लस में स्मॉल डब्ल्यू। आपको पता है कि स्मॉल डब्ल्यू आपका क्या होता है? सेल्फ वेट होता है। कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है आपका? लिफ्टेड लोड होता है। स्मॉल डब्ल्यू आपका क्या होता है? सेल्फ वेट होता है। और कैपिटल पी आपका क्या होता है? इफर्ट होता है, अर्थात लगाया गया बल, जिसको अपन लोग बोलते हैं
ऐप लाइट लोड होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले क्लियर ही हो गया होगा, और इसमें एक पॉइंट और मैंने बताया कि ऐसा कौन सा सिस्टम है कि जिसमें ओनली वन रो की यूज की जाती है पूरे सिस्टम में, वो आपका क्या है सेकंड सिस्टम है। चलिए थर्ड सिस्टम की बात करते हैं। मैं यहाँ पे आपको ज्यादा डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि डायग्राम आपका एग्जाम में नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका थर्ड सिस्टम है वो आपको बोल सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये अपोजिट होता है, किस सिस्टम का होता है अपोजिट है और किस सिस्टम का है, आपको बता दूं किसका होता है, फर्स्ट सिस्टम का अपोजिट होता है। किसका होता है, फर्स्ट सिस्टम का अपोजिट होता है। फिर इसके आगे बात करते हैं कि इसमें जो आपका वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू है, मैंने आपको इसलिए डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के उसमें ऑफलाइन क्लास में चलिए अच्छा बना के दिखाई देता हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा ये आपका ये सिस्टम पूरा चलता है। यहाँ पर ये यहाँ पर आपका कैपिटल डब्ल्यू जो लिफ्टेड लोड है वो आपका लटका रहता है, यहाँ पर आपका इस कैपिटल पी आपका लिफ्टेड वो अप्लाइड फोर्स होता है, ये आपकी रस्सी होती है जहाँ पर आपका टेंशन कार्य करता है हमेशा। इस तरीके से आप लोगों को मैंने डायग्राम बना के बताया था, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। लॉकडाउन में फिर भी आप लोग पढ़ते रहेंगे इसलिए मैंने आपको क्लास स्टार्ट की है, और आप लोगों को केवल एक ही काम करना है, आपको लेक्चर पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, केवल आपको सब्सक्राइब लाइक चैनल करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन करना है, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी सारे से सारा मटेरियल आप तक पहुंचा सकूं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि कैपिटल वेलोसिटी रेशियो का मान आपका कितना होता है, तो आपको बता दूं 2n-1 होता है। यहाँ पर जो आपका एन होता है वो टोटल नंबर ऑफ पुली होता है, मतलब नंबर ऑफ पुली होता है। तो आपको बता दूं कि जो आपका फर्स्ट सिस्टम था उसमें केवल स्मॉल एन आपका मूवेबल पुली की संख्या होती है, अर्थात नंबर ऑफ मूवेबल पुली होता है, और जो आपका सेकंड और थर्ड सिस्टम है इसमें टोटल नंबर ऑफ पुली होता है। तो वेलोसिटी रेशियो कितना होता है आपका 2n-1, एन आपका नंबर ऑफ पुलीज। आगे बढ़ते हैं आपका, यदि मैं आपको सेल्फ वेट की बात कर दूं कि आपका जो सेल्फ वेट है वो आपका सेल्फ वेट पुली का आपका कितना है, स्मॉल डब्ल्यू है। सेल्फ वेट कितना है आपका, स्मॉल डब्ल्यू है। तो इसमें यदि हम कैपिटल पी की बात करें तो आपको कैपिटल पी का फॉर्मूला आपको पता है, सॉरी कैपिटल पी नहीं कैपिटल डब्ल्यू की बात करते हैं तो आपको कैपिटल डब्ल्यू का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कैपिटल पी 2n-1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू 2n-n-1 होता है। क्या होता है फिर से रट लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, कि ज़्यादा लेंथी के चक्कर में आप इसको छोड़िएगा मन, यदि आपका पेपर में आ जाएगा तो आपको पछताना पड़ेगा, आप ही बोलोगे कि सर ने तो बताया था लेकिन मैंने इसको अच्छे ढंग से नहीं देख पाया। तो जब सेल्फ वेट आपका स्मॉल डब्ल्यू की बात होगी तो आपको कैपिटल डब्ल्यू बराबर कैपिटल पी कोष्टक 2 की पावर मतलब ब्रैकेट में 2n-1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू ब्रैकेट 2n-n-1। आगे बात करते हैं, यदि आपसे मैकेनिकल एडवांटेज की बात होती है तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या होता है, W/P होता है, और आपको फॉर्मूला पता है कि जो यहाँ पर W की वैल्यू है आपको ऊपर से उठा के पुट कर देनी है। बार बार मैं रिपीट कर देता हूँ तो जिससे आपको याद हो जाए, और वो आपका कितना होता है, कितना होता है कैपिटल डब्ल्यू बराबर कैपिटल पी को ए ब्रैकेट में 2n-1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू 2n-1 होता है। आपको याद रखना है, आशा करता हूँ कि आज का आपको लेक्चर पसंद आया होगा, इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, आपसे इसमें से तीनों सिस्टम में से आपका एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा वीडियो देखना है, लास्ट तक देखना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड बेल आइकन दबाना है ताकि आप तक पहुँच जाए। थैंक यू, बार बार मैं बोलूँगा कि आप लोग हर वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरे से पूरा मटेरियल आपको प्राप्त हो। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है, व्हाट्सअप पर कमेंट करके कहीं पर भी आप उससे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत का तुरंत उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू।